तो गाइस ये देखिए पूरी केव बनी हुई है इधर और पूरा रास्ता ऐसे ही है, इसके नीचे से हमको सारा जाना पड़ेगा। गए तो मतलब गए, कोई रेस्क्यू नहीं। तो गाइस ये है बृहस्पति फॉल, ये आप देखिए इतना ज्यादा स्प्रे आ रहा है कि मेरे कपड़े भीग गए हैं पूरे। तो फाइनली खजुराहो को टाटा कह रहे हैं, अब जाएंगे हम कहाँ पे जाएंगे, बृहस्पति कुंड, और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, चित्रकूट। तो उसके भी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे या नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो बने रहिए गाइस और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू। तो गाइस ये है केन रिवर, एकदम सराबोर है पानी से, जो हमने कल रने फॉल देखा था वो इसी का पानी आता है उस फॉल में, एकदम साफ बढ़िया, क्या चौड़ी है। किसी जमाने में यमुना भी ऐसी होती होगी, लेकिन अब आप देखिए, और आप आसपास देखिए लैंडस्केप कितना बढ़िया है, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, पूरी हरियाली है, और दूसरी तरफ नदी, सामने आपको घाट भी दिख रहा होगा उधर। तो आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा इस रिवर का, केन रिवर, लेकिन लबालब भरी हुई है, जबकि इस एरिया में बारिश इतनी नहीं हुई है, उसके बाद भी आप देखिए ऑफ सीजन में ये हाल है। तो अब हम चलते हैं, आगे चलते हैं, एक वाटरफॉल है वो कवर करते हैं, आपको बताते हैं। गाइस ये है पांडू फॉल, और टिकट यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है तो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, उसकी जगह अब हम जा रहे हैं बृहस्पति कुंड, जो इसका भी बाप है। तो चलिए बृहस्पति कुंड आपको लेके चलते हैं। तो भाइयों अब हम आ गए बृहस्पति कुंड के रास्ते पे, काफ़ी सारा रास्ता था, करीबन 50 किलोमीटर का ख़राब रोड, इस तरह की रोड थी पूरी, बन रही है अभी, अब फाइनली 2.5 किलोमीटर रह गया है, तो चलिए चलते हैं बृहस्पति कुंड। काले चश्मे वाली आ गई। तो गाइज ये है बृहस्पति कुंड की एंट्री, कुछ इस तरह की, थोड़ा रिमोट एरिया है, बाकी देखते हैं पानी का क्या सीन है। और ये भी एक तरह की कैनियन है, ये है कुंड बृहस्पति फॉल, सूख गया ये तो, इस समय पानी नहीं है। और इस फॉल में तो पानी नहीं है, हम तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लेके आए थे, बट चलिए कुंड देख के आते हैं। ये दिख रहा है, तो गाइज वो देखिए सामने है बृहस्पति फॉल, थोड़ा बहाव कम है क्योंकि बारिश थोड़ी कम हुई है इस एरिया में, और रास्ता देखिए थोड़ा इस तरह का है, एकदम पहाड़ी रास्ता पथरीला, तो ज़रा ध्यान से चलें, जल्दबाजी ना करें। ये देखिए आप पूरा इधर बैठो, हाँ आगे तक, और ये देखिए शानदार नज़ारा। तो दोस्तों ये है शानदार बृहस्पति फॉल, अभी हम वहाँ तक चलेंगे फॉल के पास, आपको दिखाएंगे, बारिश अभी कम हुई है, नहीं तो ये पूरे एरिया से झरना बहता है, और काफ़ी ऊंचा है, ये भी एक तरह का कैनियन है, पूरा पूरा पथरीला एरिया है ये। तो अभी इस रास्ते से हम चलते हैं और फॉल को देखते हैं, कोशिश करेंगे नहाने की, क्या सीन है वो सब आपको आगे अपडेट करता हूँ। एंड में आना चाहिए, बस रोड ठीक हो जाए जरा। ओ भाई यही है जहाँ से लोग जाते हैं भाई, मैंने यही देखा था यूट्यूब पे भाई साहब, थोड़ा सा ध्यान हम पे अपने कदमों पे रखूंगा। ये देखिए आप, ये रास्ता है पूरा केव से होके जाता है, ये देखिए आप, ये पूरी केव्स हैं, माय गॉड, ये पूरा व्यू देखिए भाई, ये तो खतरनाक है।
तो गाइस ये देखिए पूरी केव बनी हुई है इधर, और पूरा रास्ता ऐसे ही है, इसके नीचे से हमको सारा जाना पड़ेगा। अमेजिंग गाइस, बहुत ही बढ़िया लग रहा है इधर। ये देखिए ऊपर पूरा ये पत्थर है, ये पूरी गुफा बनी हुई है ऐसे, यहीं से हमको आगे का रास्ता पूरा कवर करना पड़ेगा। और बाहर कुछ ऐसे दिखाने तो यहाँ अभी काफ़ी सारा पानी टपकता रहता होगा। तो देखिए गाइस पूरा इस तरह का ये नज़ारा है, पानी भी टपक रहा है संभाल के। तो ये सब रिस्की है थोड़ा सा, पकड़ पकड़ के चले, ज़्यादा आपका कैमरे में ध्यान ना रहे। ये देखिए आप, एकदम अलग एडवेंचर है। और कोशिश करिए आप थोड़ा इस तरफ चलें, क्योंकि पीछे उस तरफ बहुत बड़ी खाई है। गए तो मतलब गए, कोई रेस्क्यू नहीं, कोई कुछ नहीं। और वो देखिए सामने हमारी मंजिल, ये देखिए इस तरह का पूरा रास्ता है। पेड़ों की जड़ भी दिख रही है इधर, नीचे ध्यान रखते हुए। ये देखिए एक और गुफा टाइप का, और यहाँ पे बंदर भी काफी हैं। और थोड़ा सा आपको नजारा दिखाते हैं इधर का, ये देखिए आप, ऐसा लगता है ना बाहुबली मूवी का सेट है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा यहाँ पे रास्ता थोड़ा नीचा है, भाई बहुत नीचा है। चलो चलो चलो, हाँ मालूम है मुझे, टकराएगा वो। तो ये देखिए ये पूरी वो केव है जहाँ से हम चल के आए, और अब यहाँ से नीचे चलते हैं। हाँ ये देखिए सामने, ओ भाई यहाँ पे काफ़ी एक्साइटेड है लोग, कुछ लोग आते हुए देखे नहा के, और आप शायद बैकग्राउंड में आवाज़ सुन पा रहे हो, लोग चीख रहे हैं, एक्साइट हो रहे हैं काफ़ी। चलो तो गाइस सामने देखिए बृहस्पति कुंड, सामने आप देखिए मिलियंस ईयर्स पुरानी रॉक्स हैं। ये देखिए आप, ये काफ़ी बड़ा कुंड है, शायद वीडियो में इतना बड़ा ना दिख रहा हो,
लेकिन बहुत बड़ा है। अभी तो पानी गंदा है तो इसमें हम नहीं नहाएंगे, हम जाएंगे वाटरफॉल की तरफ, उस तरफ। और ये देखिए बहुत शानदार है, ज़रूर आइए, एकदम अनएक्सप्लोर्ड जगह है ये, बढ़िया है। तो गाइज़ ये कुछ रास्ता है बृहस्पति कुंड जाने का, एकदम ये देखिए आप, हाइकिंग है अच्छी खासी, बढ़िया हाइकिंग। तो सही लग रहा है इधर, देखिए पूरा पहाड़ी रास्ता। तो ये देखिए पगडंडी मिल जाती है ना, तो पता चल जाता है कि यही रास्ता है। अब शायद आपको आवाज आनी शुरू हो गई होगी, ये फॉल की आवाज है। नेक्स्ट टाइम मैं बारिश में आऊंगा तब ये आपको फुल ग्लोरी में दिखेगा। बस अब 5 मिनट पे पहुंचने वाले हैं। ऑलमोस्ट आ गए हम लोग, और पहली झलक देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। रास्ता बंद, तो गाइज ये है बृहस्पति फॉल, ये आप देखिए इतना ज्यादा स्प्रे आ रहा है कि मेरे कपड़े भीग गए हैं पूरे, बहुत ही शानदार है ये। अभी सोचिए इतना है, जब पूरी बारिश होती होगी तो पूरा भर जाता होगा। अब इसमें हम नहाने जाएंगे, अभी आपको बताते हैं। और आईफोन में आता ही नहीं है, गाइस ये देखिए क्या बढ़िया इंद्रधनुष बना हुआ है इधर, जूम करता हूँ। और हम यहाँ पे करीबन 2 घंटे से, और क्या मज़ा आ रहा है, बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा। तो अब लेकिन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तो अब निकलते हैं यहाँ से अगले डेस्टिनेशन की तरफ। तो गाइस बृहस्पति कुंड में करीबन 2 घंटे बिताने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं, और ट्रेल देखिए यही है, कितनी कठिन है। तो ध्यान से आइएगा आप इस ट्रेल पे आए तो, लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ा कठिन है तो ज़्यादा भीड़ आपको नहीं मिलेगी, नहीं तो इस जगह की भी कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा। तो सब कुछ ईजी हो गया, कैम्प्टी फॉल जैसा हो जाएगा ये भी। तो ये भी देखिए दोस्तों, 1000-2000 साल पुरानी मूर्तियाँ यहाँ पे भी हैं, तो यहाँ पे अवश्य कोई मंदिर होता होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपने ये ट्रिप एंजॉय किया होगा बृहस्पति फॉल का। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।